राजस्थान में चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। 25 तारीख को वोटिंग होनी है और इससे पहले सीएम अशोक गहलोत की एक वीडियो खासा वायरल हो रही है। दरअसल सोशल मीडिया साइट एक्स पर अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए सचिन पायलट का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट जी की राजस्थान के लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील। सीएम गहलोत का सचिन पायलट का वीडियो इस तरह शेयर करना अपने आप में खास है। ऐसा क्यों? ये जानने से पहले आइए सुन लेते हैं कि सचिन पायलट ने क्या कहा। साथियों, आप सभी जानते हैं कि राजस्थान का विधानसभा का चुनाव 25 तारीख को है। पिछले कई हफ्तों से हम सभी लोग प्रदेश में पार्टी के लिए प्रचार करने अलग अलग जगहों पर गए हैं। जो रिस्पॉन्स है, जो फीडबैक है और जो मतदाताओं का रुझान है, उसे देखकर स्पष्ट है कि आने वाले समय में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। 30 साल की जो परंपरा है, 5 साल भाजपा, 5 साल कांग्रेस, उस रिवाज में परिवर्तन आएगा और एक बार पुनः सभी लोग कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद देंगे। चुनाव प्रचार के लिए हमने सैकड़ों सभाएं करी हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां हम चाहकर भी नहीं पहुंच सके हैं। इसलिए मेरी आपसे विनम्र अपील है कि प्रदेश की विकास की गति को बनाए रखने के लिए, सबको साथ लेकर चलने का जो एक रीति नीति कांग्रेस पार्टी की है, उसको बनाए रखने के लिए, कायम रखने के लिए ये जरूरी है कि हम सब सारी बातें भुलाकर हाथ के निशान पर बटन दबाकर भारी बहुमत से कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों को विजयश्री दिलाएं। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, जिन क्षेत्रों में मैं नहीं जा सका हूं, उन सभी विधानसभा क्षेत्रों में आप सब लोग अपने अपने कांग्रेस के उम्मीदवार को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और 25 तारीख को हाथ का बटन दबाकर भारी मात्रा में मतदान करें और हमारे कांग्रेस के उम्मीदवारों को जीत दिलाएं। ये जीत कांग्रेस की जीत होगी, जनता की जीत होगी और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हमने जो योजनाएं चालू करी हैं उसको रोकने की जो सोच भाजपा की है उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। इससे एक बार पुनः आप सभी लोगों से अपील है कि 25 तारीख को सुबह सुबह सभी जाए मतदान केंद्र पर, हाथ के निशान पर बटन दबाकर सभी प्रत्याशी को जिताएं जो हमारी कांग्रेस पार्टी के हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप ऐसा करेंगे और आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर राजस्थान को और विकसित कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। गौरतलब है, एक ही सियासी खेमे में होने के बावजूद गहलोत और पायलट के बीच की रंजिश अक्सर सुर्खियों में रही है। दोनों को कई बार एक दूसरे पर वार करते देखा गया, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनावों के दौरान ये जताने की कोशिश की गई है कि वे मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। शुरू में चुनाव प्रसार के दौरान राहुल गांधी ने इन रंजिशों पर विराम लगाते हुए ये संदेश दिया कि हम सिर्फ साथ दिख नहीं रहे बल्कि साथ हैं और साथ रहेंगे भी। एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं, एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी यहां स्वीप करके चुनाव जीतेगी। धन्यवाद। इस जनसभा में गहलोत और पायलट का हाथ मिलाना भी काफी चर्चाओं में रहा। बता दें कि राजस्थान में हर साल 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा रही है, ऐसे में कांग्रेस पर ज्यादा दबाव है। इसी के साथ बीजेपी के लुभावने चुनावी वादे भी कांग्रेस के लिए मुसीबत बन सकते हैं। इसी के साथ सीएम गहलोत और सचिन पायलट की रार हमेशा ही बीजेपी के निशाने पर रही है। हाल ही में पीएम मोदी ने भी इन बातों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा था और कहा था, ऐसे 100 मौके आए हैं जब बड़े नेताओं के दिल्ली आने पर उन्होंने कैमरे के सामने हाथ मिलाया लेकिन एकता नहीं बन पाई। मुख्यमंत्री और उनके जो दूसरे मुख्यमंत्री बनने के बेचारे इंतजार कर रहे हैं और बड़े बड़े दिल्ली से नेता आते हैं, कैमरा वालों को खड़ा करते हैं, फिर दोनों से हाथ मिलवाते हैं। इनका भी हाथ मिलन की सेंचुरी हो गई 5 साल में, लेकिन मिलाप नहीं हुआ। दिल में खटास है लेकिन ये लोग हाथ मिलाने का दिखावा कर रहे हैं। ऐसे में सत्तारूढ़ी पार्टी किसी भी तरीके का जोखिम नहीं उठाना चाहती। माना जा रहा है कि वोटिंग से ठीक एक दिन पहले सीएम गहलोत का इस तरीके से सचिन पायलट के वीडियो को ट्वीट करने से वोटर्स के बीच एक बड़ा संदेश जाएगा।